पेंटिंग और स्कल्पचर और म्यूजिक और पोइट्री और फिक्शन राइटिंग वट एवर एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इफ़ यू हैव रीजनेबल टैलेंट एंड इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन डू रीजनेबली गुड वर्क बट वट इज मोर डिफिकल्ट देन डूइंग गुड वर्क इज योर ओन वर्क आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू हू हैव कम हियर जिन्होंने ये सारी तस्वीरें देखी हैं अब आप जिंदगी में कहीं भी किरण चोपड़ा की बनाई हुई पेंटिंग देखेंगे तो आपको नाम नहीं पढ़ना पड़ेगा आप पहचान लेंगे किरण चोपड़ा की ये बहुत बड़ी बात है ये बहुत कम पोइट्स में बहुत कम म्यूजिशियन में बहुत कम पेंटर्स में होती है कि उनका नाम ना भी लिखा हो तो आप पहचान लेंगे पोएम किसकी है ट्यून किसकी है पेंटिंग किसकी है उनका इतना इंडिविजुअल स्टाइल होता है और ये हम कह सकते हैं किरण चोपड़ा के बारे में कि एक इंतहाई इंडिविजुअल स्टाइल है देखिए सारी तस्वीरें जो है ब्लैक एंड वाइट में ब्लैक एंड वाइट में डेप्थ ढूंढना थोड़ा इसलिए कि वो कैनवास तो वाइट है उसके ऊपर ब्लैक है तो ब्लैक में कितने अंदर चले जाओगे ब्लैक तो बंद कर देता है ना दरवाज़ा लेकिन आप ये देखिए कोई भी पेंटिंग के सामने खड़े होइएगा किसी भी कैनवास के सामने तो आप ये देखेंगे कि उसमें लेयर्स कितनी हैं उसमें गहराई कितनी है दो कलर्स के अंदर एक कलर वो जो फ्रेम का है दूसरा जो काला है इसमें इतनी लेयर्स पैदा करना हंसी खेल नहीं है और कितनी बात कह देना एक तस्वीर के सामने खड़े रहिए खूब देर तक और उसे देखते ही रहिए मैं तो एक बार फिर आऊँगा जब आप लोग यहाँ नहीं होंगे तब अकेले देखने आऊँगा इसलिए कि एक के सामने कैनवस के सामने आप खड़े होंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें दिखाई देंगी जो पहली नज़र में नहीं दिखाई देती और मैं बहुत बधाई देता हूँ किरण जी को ये इट्स नॉट ओनली गुड वर्क इट्स टोटली ओरिजिनल हर ओन स्टाइल दीज फ्रेम्स हैव नॉट रिमाइंडेड मी ऑफ एनी अदर पेंटर ये मामूली बात नहीं है थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर बड़ी बात कही है कि आपकी पेंटिंग देखने से लगता है कि वो आपने ही क्रिएट की है आपने ही बनाई है सर ने बोला कि आप हमारे घर भी आइए पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जावेद जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय देकर यहाँ पर इस माहौल को इतना जानदार बनाया और हम सभी मैं ही नहीं आप सभी इनके प्रशंसक हैं और इनके शब्दों के आगे मेरे शब्द मैं खुद भी कविताएं लिखती हूँ लेकिन मेरे शब्द जो हैं इनके शब्दों से डर के छुप गए हैं अब देखिए आप किरण जी अब देखिए मैं पेंटिंग नहीं करता हूँ तो आपको भी सोचना चाहिए है अब आप पेंटिंग भी करती है कविता भी लिखती है तो चलिए गुड बहुत बहुत बधाई आपको बहुत बहुत अच्छा कविता सुनाना चाहूँगी अच्छा चलिए मेरी तुलिका साइलेंस मेरी तुली का धरा से आकाश तक खींच सतरंगी लकीरें चलती रहें अनवरत मेरी तुली का जीवन के रंगों को समेटे उतरे चंद्र किरण के संग बन कला सरिता पहाड़ों की चोटियों से गुनगुनाती पत्थरों को काटती जंगलों में घूमती मैदानों में रेंगती उतरती लगातार टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती बढ़ती चले अविराम सागर के दामन में छिप वह कला सरिता बन बहती चले गहराई की ओर विशाल हिमगिरियों के शिखर पर जन्म ले चलती रहें अनंत गहराई की ओर अनंत गहराई की खोज में खोज को ही जीवन का लक्ष्य बना बहती जाए इसी खोज में अनवरत अविराम यही सत्य है यही साधना उस खोज की वाह क्या बात है चलिए साहब सारे काम ठीक करती हैं मैं अनंत विकास जैन गोवाल रहता हूँ और किरण जी से पिछले 8-9 साल से बहुत अच्छे रिलेशन हैं इनके पेंटिंग्स हमारे कई शोज में भी डिस्प्ले हुई है और यानी इनके आर्ट का दीवाना हूँ मैं कहा जा सकता है इतने हजारों आर्टिस्ट का वर्क देखा है लेकिन इनका वर्क एकदम डिफरेंट है नो कंपेरिजन यानी मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ पोइट्री और आर्ट दोनों मिलते हैं वहाँ फिर किसी से कोई कंपैरिजन नहीं रह जाता है तो ये परफेक्शन है पोइट्री का आर्ट के साथ जो मिलन है वो एक यानी खास बात है तो आप खुद ही एक पोइट्री हैं और बहुत अच्छा लगा शो बहुत अच्छे
पीसेस इन्होंने डिस्प्ले किए हैं, अभी काफ़ी बाकी भी हैं जो डिस्प्ले नहीं हो पाए हैं। ये एक खजाना है, एक ट्रेजर है इनका, और मैं चाहता हूँ कि किरण जी कभी ऐसा एक मौका हमें भी दें कि इनके साथ हम जर्नी में साथ में चल सकें फिर से, बहुत अच्छा लगा। और मेरी शुभकामनाएँ हैं केवल इस शो के लिए नहीं, पूरी लाइफ इनके जो भी नए इवेंट्स होते हैं या नए जो इनके प्रयास होते हैं उनमें सफलता। मुश्किल है ये बताना क्योंकि हर पीस अपने आप में यूनिक है, हर पीस की एक खास बात है। अगर शायद उतनी गहराई तक हम नहीं पहुंच सकते जो किरण जी समझाएंगे, लेकिन हर पेंटिंग में एक खासियत है। ऐसा नहीं है कि हम एक को दूसरे से कंपेयर करें या बताएं कि ये अच्छी है ये अच्छी नहीं है, यूनिक है हर वर्क, अपनी एक कहानी है, हर एक की एक स्टोरी है अपनी। तो नहीं, मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि हर जो पेंटिंग है वो यूनिक है। थैंक यू सर। स्कल्प्टर, पेंटर, एक्टर, और मैं मैम का काम देखा हुआ है मैंने काफ़ी टाइम से, और मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और जैसे मतलब कॉन्सेप्ट कहाँ से आते हैं, कॉन्सेप्ट हमारे सभी लोगों के बीच में से निकल कर आते हैं, जो जीवन है वही एक कॉन्सेप्ट है, जन्म से लेके जब आप पैदा होते हो और जैसे जैसे आपका जर्नी होता है तो वो सब एक कॉन्सेप्ट तैयार होते जाते हैं। तो जो कलर और जो थीम मैडम का, मेरे को मतलब ब्लैक एंड वाइट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक क्या ना मतलब पिक्चर जो आपको देखते हो उसमें मतलब जो आपकी बारीकी है काम करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल यूनिक है। नॉर्मली क्या है आप ब्रश वगैरह से यूज़ करते हैं कलर को, आप नाइफ से यूज़ करते हैं, कुछ स्क्रैच करके भी मैडम शायद आपने ना उसमें जो किया जैसे हाँ जैसे प्रिंट मेकिंग में हम लोग मेटल की प्लेट के ऊपर जैसे हम इचिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़ा स्टाइल देखने को मिलता है, बहुत यूनिक है और फिगरेटिव, थोड़ा कुछ एब्स्ट्रैक्ट में जो कुछ काम है तो बेहतरीन काम है। मैम काफ़ी सीनियर है, बहुत सीनियर है, हमारी शुभकामनाएं शुभकामनाएं मैडम के साथ में, और मैडम का आशीर्वाद भी हम लोगों को चाहिए। तो मैंने मैंने कांग्रेचुलेशन किरण मैम, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बेल्जियम से आए हुए हैं और इन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया है, बहुत 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 पसंद आया है। इन्होंने ये पेंटिंग अपने घर के लिए ली है। हाँ जी बिल्कुल, एंड दिस इज माय फर्स्ट पेंटिंग दैट आई हैव परचेज माय सेल्फ, एंड एज सून एज आई सॉ इट आई थिंक देयर वाज समथिंग, द पेंटिंग स्पोक टू मी। आई थिंक वुमेन हैव एन इनेट टेंडेंसी ऑफ गॉसिपिंग एंड आई डू वेरी मच टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड I think that shows the whole beauty of it. Even though there's not much color, I think it only speaks in a lot of one color. Yeah, it goes in depth even though there is no color, and yeah, I think it's beautiful and I'm glad that it's mine now. Yeah. Thank you very much for this. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है, इतने बड़े कलाकार आए और उन्होंने इतने सराहना की मेरे काम की, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं 20-25 साल से इस फील्ड में हूँ और पहले रंगों में भी काम कर चुके, 3-4 शोज हो चुके हैं मेरे, लेकिन उसके बाद मैंने एक शो जहांगीर में ब्लैक एंड वाइट में किया जिसमें मेरे को बहुत सक्सेस मिली, सबने काम बहुत सराहा और बहुत पसंद किया ये काम, तो मैंने आगे इसी को आगे बढ़ाया और इसके बाद मैंने ग्लोबली काफ़ी शो किए हैं, US, UK, इजिप्ट, रशिया, दुबई, काफ़ी शोज हो चुके हैं मेरे और सभी सक्सेस रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि सभी मेरे काम पसंद करते हैं और इसी तरह पसंद करते रहें और मेरे को कामयाबी मिलती रहे, यही आशा करती हूँ। थैंक यू। सो इट इज़ अ लवली एग्जिबिशन, किरण जी का काम है वो इसलिए स्टैंड आउट करता है बिकॉज इट इज़ इन द कलर ब्लैक, और ब्लैक में डेप्थ बताना बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू शो समथिंग इन द डीपेस्ट ऑफ डेप्थ वी शो द कलर ब्लैक, और ब्लैक में इतने डायमेंशंस के साथ इतनी सारी चीज़ें बताना बहुत ही अमेजिंग वर्क है। अभी थोड़ी देर पहले जावेद साहब आए थे इनॉग्रेशन के लिए और उन्होंने बहुत अच्छी बात ये बताई कि
किरण जी की पेंटिंग एक बार जो देख लेता है वो कभी भूल नहीं पाता है. तो एनी टाइम एल्स वेर एवर वी सी योर वर्क वी इंस्टेंटली कम टू नो कि दिस इज़ अ किरण चोपड़ा वर्क. तो जो वो इतने लेयर्स में काम करती है, इतने सारे फेसेस एक ही कलर में देना, इट्स ऑसम. बहुत अच्छा वर्क है. इट्स अ लवली शो एंड आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट. अपना किरण जी है ना, हमारे इतने अच्छे आर्टिस्ट दोस्त, इतने अपना सालों से साथ में आए हैं और ऐसे ही अपना खूबसूरत वर्क इनका बढ़ता हुआ जा रहा. देखिए एक से एक अच्छा ट्रीटमेंट और है ना, इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, इतना खूबसूरत काम है, देख के बहुत खुशी होती है. और हमारा तो यही है कि भाई ऐसे ही एक से एक अच्छा वर्क करते रहें, हम लोग साथ साथ ऐसे ही रहें और ऐसे ही काम करते रहें, तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है और कमाल है. किरण जी वाह वाह, बहुत ही धन्यवाद, ब्यूटीफुल, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा. सर मेरा नाम रामजी शर्मा है. एज ए आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की हैसियत से कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे अपना नाम बताना पड़ता है कि मैं रामजी शर्मा हूँ. लेकिन जब किरण जी का काम देखता हूँ तो मुझे को पूछना ही नहीं है कि ये किसका काम है. तो ये किरण जी है. तो किरण जी की एक अपनी दुनिया है, अपनी एक पहचान है. और अंधेरे से कहते हैं ना, अंधेरे से किरण निकलती है, वो है किरण जी. तो किरण जी का जो काम है अपने आप में एक यूनिक है. देखने का इनका ढंग, इनके काम करने का ढंग, और हर पेंटिंग कुछ न कुछ बोलती है कि मैं क्या कह रही हूँ. तो किरण जी की पेंटिंग एक साइलेंस पोएम है और हम सभी एक दूसरे से बहुत इंस्पिरेशन हमको मिलता है, इंस्पायर भी होते हैं. और हम चाहते हैं कि जितने भी आर्ट लवर हैं, जितने आर्ट बायर हैं, जहांगीर आर्ट गैलरी के हिंदी में आप आएँ और किरण जी का खूबसूरत काम आएँ और देखें. और हमारी तरफ से आप सभी को एक निमंत्रण है और हमारे किरण जी के लिए हमारी शुभ आशीर्वाद. उनसे बड़ी सीनियर हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये अपने आप में इनका एक अंदाज अलग निराला है, जिसकी वजह से हम खुद इनसे बहुत प्रभावित होते हैं. तो प्लीज़ आप आइए, वेलकम, और हमें किरण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छे आप लोग आए. सर, मैम की एग्जीबिशन है कैसा लगा? फोटो में स्काइस के डाले, यू नो, ब्लैक का उन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया है. आई लाइक दैट. व्हिच वाज योर फेवरेट पेंटिंग इन दिस गैलरी? आई थिंक देयर इज दैट वन सोलमेट करके वहाँ से तीसरी वाली पेंटिंग है. That is very nice. और future upcoming projects is there in like? Yeah, I have like three films. One is called Janta Hai Boss, एक है सक्षम और एक है ब्रून. So it's the work is done. It's just like we're just waiting for it to complete. Sure. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Roll. किरण जी का काम मैं बहुत पहले से जानता हूँ. किरण जी का काम मोस्टली जो ब्लैक एंड वाइट में करते हैं, बट इनका जो प्रेजेंटेशन है ये अपने आप में एक यूनिक है. क्योंकि हर रंगों में जो प्रवेश करने का एक तरीका होता है, उनमें से हट के किरण जी ने दो कलर में बहुत सारे गुंजाइशों को एक पोएटिक तरीके से दर्शाया. ये बाकी में अपने आप में एक नायाब तोहफा है आर्ट वर्ल्ड के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ. हालांकि अपनी अपनी आर्टिस्टों का, हर एक आर्टिस्ट को अपने अपने अंदाज होते हैं. उस अंदाज में किरण जी सच में एक नया, उनका जो तरीका है वो तरीका बहुत ही पोएटिक है एंड बहुत ही खूबसूरत है. किरण जी का काम मैं बहुत सालों से देखा है मैंने, और उनका काम मुझे बेहद पसंद है. और ये काम जो पर्टिकुलरली इस एग्जीबिशन में उनका काम है, सिर्फ दो तीन टोन में, ये बहुत ही खूबसूरत है. और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग देखेंगे इसे वो पसंद भी करेंगे और खरीदेंगे. ये पेंटिंग भी उनकी देखें तो देखने में आपको लग रहा है कि एक फिगर है, मगर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मतलब काउंट करते जाइए
और कितने फिगर उसके, कितने फिगर उसके अंदर, सबको समेटे हुए, सब धर्मों को समेट के रखा, सब धर्मों को समेट के रखा है इसके अंदर। तो ये आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए पेंटिंग क्या है। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और किरण जी बहुत पुराना ऐसा दोस्ती है, अच्छा काम है उनका। ये जो सीरीज है बहुत ही अच्छा है, इसमें तो डब्बा वाला बहुत पुराना सीरीज मेरा बहुत अच्छा लगता है। और इतना सारे आर्टिस्ट का बीच में मैं आके मैं सबका साथ मुलाकात हो रहा है, काम भी देख रहा हूँ, और उनका जो स्टाइल है बहुत मतलब तो बहुत ही अच्छा है, जो मैं आज तक देखा नहीं है। इसीलिए किरण जी के बहुत ही धन्यवाद, और भी आगे और भी अच्छा काम करें। ये एज में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसलिए मैं खुश हूँ। धन्यवाद। फेवरेट पेंटिंग मेरा डब्बा वाला बहुत अच्छा लगा इतिहास इसमें, और काफ़ी और भी पेंटिंग है इसमें। जो अभी नया एक पेंटिंग देखा मोनालिसा, वो बहुत कलरफुल इंटरेस्टिंग।